तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आपका जी ला न्यूज में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आप परीक्षा की तैयारी करते हैं तो आपको पूछा जाता है, विश्व की जनजातियाँ आपसे पूछी जाती हैं, और ये हर पेपर में एक या दो क्वेश्चन तो जरूर आ जाता है, और हम लोग इतना पढ़ते नहीं कि कौन जनजाति कहाँ की है, कैसी है, और इसीलिए हम लोग फंस जाते हैं। तो आज हम कुछ ऐसी जनजातियों के बारे में बताए जाएंगे जो विश्व में प्रसिद्ध है और हर पेपर में 10,000 बार पूछी जा चुकी है, हजारों बार इसी में से पूछता है। अगर आप ये देख लेते हैं तो आपको जनजाति में कोई परेशानी नहीं होगी, और आपको याद कर लीजिए, पूरा रट लीजिए एकदम ठीक है, और मैं आपको याद भी कराने की कोशिश करूँगा। और उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को। इस पर किसी प्रकार कोई भी पैसा नहीं लगता सब्सक्राइब करने पर, और हम जितना आप हमको सपोर्ट करेंगे उतने अच्छे अच्छे वीडियो हम आपके साथ लाते रहेंगे। तो हम पढ़ने जा रहे हैं विश्व की जनजातियाँ। जैसे जनजातियाँ क्या होती हैं कि कई सारी जनजातियाँ बसी हैं, उनका नाम याद करना बहुत मुश्किल होता है, तो हम कोशिश करेंगे कि आपको उसका नाम याद करवा जाए। जैसे एनू जनजाति कहाँ पाई जाती है? एनू जापान, ठीक है, याद कर लीजिएगा। एनू क्या है? जापान, ठीक है। एनू कहाँ पाई जाती है? जापान में। कहाँ पाई जाती है? एनू, ठीक है। एनू माने जहाँ पे परमाणु बम गिरा, ठीक है, वहाँ पे सब क्या हो गए? मर गए, ठीक है, एनू हो गए। याद रख लीजिएगा, परमाणु बम गिरा है वहाँ पे सब मर गए, एनू हो गए। तो एनू का कोई ट्रिक है ही नहीं, ठीक है। एनू 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 किसी नाम याद कर लीजिएगा, एनू, ठीक है। एनू एनू एनू, ठीक है। एनू हमारे क्या है? जापान की जनजाति। लाई, ठीक है, दही लाई, ठीक है, मम्यार, याद कर लीजिएगा। वहीं कहाँ से दही लाई है? जमा हुआ। मम्यार से दही लाई है, जमा हुआ, ठीक है, याद कर लीजिएगा। लाई, अलाई सब भुजा खाते भी हैं, लाई खाते हैं, उससे भी याद कर लीजिएगा। लाई कहाँ की है? मम्यार की है, ठीक है। वैसे लाई याद करिए, दही लाई और म्याओ खा गई, बिल्ली दही खा गई, इसे आप याद कर लीजिएगा। लाई जनजाति कौन है? मम्यार की है, दही लाई और वो बिल्ली खा गई, ठीक है, इसे आप याद कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। और उसके बाद हम आपको और भी ट्रिक बताएंगे, बहुत से ट्रिक हम आपको बताएंगे कि आपको याद हो जाए। फिर ब्रिटेन नामक पर्वत जनजाति पर जैसे ब्रिटेन, ठीक है, ब्रिटेन नामक पर्वतीय जनजाति कहाँ पाई जाती है? ब्रिटेन नाम से आप जानते हैं, ब्रिटेन का किससे युद्ध हुआ था? फ्रांस से युद्ध हुआ था, ठीक है, फ्रांसीसियों से युद्ध हुआ था। ब्रिटेन कहाँ पाई जाती है? फ्रांस में पाई जाती है। फिर माओरी, ठीक है, माँ की ओरी कहाँ पाई जाती है? न्यूजीलैंड, ठीक है, न्यूजीलैंड पाई जाती है। लैंड से आप याद कर लीजिएगा, न्यू लैंड में कहाँ है हमारी माँ रहती है? तो माओरी कहाँ है? मेरी माँ कहाँ है? माओरी कहाँ है? न्यूजीलैंड, ठीक है, नया न्यू जगह है, ठीक है, न्यूजीलैंड। सेमांग कहाँ आ जाता है? मलेशिया। सेमांग, ठीक है, मांग से सिंदूर भी होता है। सेमांग कहाँ है? मलेशिया। सेमांग मलेशिया, ठीक है। उसके बाद पर्वतीय क्षेत्र में निवास करने वाले एटा जनजाति बहुत पूछा जाता है, फिलिस्पीन कहाँ है? एटा कहाँ है? फिलिस्पीन, याद कर लीजिएगा एकदम। उसके बाद अफरीदीस जनजाति कहाँ पाई जाती है? पाकिस्तान के। अफरीदी बहुत तेज गेंद फेंकता है, अफरीदीस कहाँ पाया जाता है? पाकिस्तान का खिलाड़ी, ठीक है, अफरीदीस, इसे याद कर लीजिएगा। फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का मूल निवासी के नाम से जाना जाता है, एबो जिम्स के नाम से। ऑस्ट्रेलिया कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु क्या है? कंगारू है ऑस्ट्रेलिया, और क्रिकेट का भी ये इसका राष्ट्रीय खेल है। तो एबो जिंस पहन के क्या करते हैं सब? क्रिकेट खेलते हैं ऑस्ट्रेलिया का, ठीक है। न्यूजीलैंड के मूल निवासी को किस नाम से जाना जाता है? तो न्यूजीलैंड के जहाँ न्यू लैंड, ठीक है, तो माओरी, ठीक है, माओरी अभी हमने ऊपर पढ़ा था। माओरी कहाँ है? न्यूजीलैंड में है, ठीक है, तो न्यूलैंड में। कौन नाइजीरिया का मूल निवासी है? नाइजीरिया का कौन मूल निवासी है? होसा, ठीक है, होसा कौन है? नाइजीरिया। नज़रों में क्या पड़ गया है? हींग और जीरा पड़ गया है, तो नाइजीरिया, ठीक है। नज़रों में क्या पड़ गया है? हींग और जीरा पड़ गया है, ठीक है, तो नाइजीरिया में कौन है? होसा, ठीक है। उसके बाद कौन सी जनजाति नील नदी घाटी क्षेत्र में निवास करती है? नील नदी, तो नील क्या है? नीला क्या है? नीला आसमान है, ठीक है, नीला क्या है? आसमान है, तो याद कर लीजिएगा। नील से फिलहाल अल्लाह को सब क्या कहते हैं? अल्लाह को सब पुकारते हैं, अल्लाह, तो फिलहाल, ठीक है, अल्लाह। नीला कैसा? आसमान है, तो आसमान की ओर सब क्या कहते हैं? अल्लाह कहके चिल्लाते हैं। कौन सी जनजाति पाई जाती है नील नदी किनारे? अल्लाह, फेला, याद कर लीजिएगा। फिर उसके बाद एस्किमो निवासी कहाँ की? कनाडा, कहाँ की है?
कनाडा, नाडा डाडा, ना जाना कनाडा वहाँ क्यों है, एस्किमो है, एस्किमो, ठीक है, याद कर लीजिए। एस्किमो लोगों द्वारा टुंडा क्षेत्रों में बर्फ के टुकड़ों की सहायता से बनाए गए अर्धगोलाकार आवासों को क्या कहा जाता है, इग्लू, ये तो सबको मालूम है इग्लू कहा जाता है, जैसे इग्लू रहता है यहाँ पे है ऐसे सब रहते हैं, ठीक है, यहाँ बर्फ में रहते हैं, यहाँ लेट के सब अंदर घुसते हैं और यहाँ पे सोते हैं, ठीक है, इग्लू कहा जाता है इसको। एस्किमो लोगों का ग्रीष्मकालीन निवास गृह कहाँ है, कहाँ पे है, एस्किमो का है ट्यूपिक, कहाँ पे है ट्यूपिक। इसके बाद हमारा उमियाक, उमियाक क्या है, एसुमिको द्वारा शिकार प्रयुक्त नौका, उमियाक क्या है, नौका है, ठीक है, हमारी क्या है, नौका, तो हम क्या करते हैं उसे मछली पकड़ने जाते हैं उमियाक से, ठीक है, उमियाक से। फिर हमारा क्या है कि एस्किमो जनजाति के लोग स्लेज का निर्माण किससे करते हैं, तो एस्किमो कौन जनजाति, जहाँ तुम जाओगे पकड़ लेंगे सील की हड्डियों से, सील की जो हड्डी होती है जो पानियों में रहती हैं और थल पे भी आती हैं आराम करने, तो सील से करते हैं। शिकार के लिए हारपून का प्रयोग कौन सी जनजाति करती है, एस्किमो, ठीक है, एस्किमो क्या करती है, किसी को मार सकती है, वो क्या करती है, हारपून का प्रयोग करती है। एस्किमो लोग का मुख्य व्यवसाय क्या है, आखेत और मछली पकड़ना, मत्स्यन, ठीक है, आखेत या आखेत करना और इसे आखेत करके मारना और मछली पकड़ना का काम है। कयाक, कयाक एस्किमो द्वारा आवागमन में प्रमुख साधन के रूप में प्रयुक्त नौका कयाक, ठीक है, कयाक। कौन सी जनजाति बिच्छू पर निवास करती है, कौन सी बहुत है बिच्छू पर निवास कौन सी करती है, पिगमी, पिगमी, ठीक है, कौन सी जनजाति है, पिगमी, याद कर लीजिएगा, पिगमी, पिगमी, पिग, पिगमी कौन सी है, ठीक है, पिगमी, पिग, पिगमा निकल होता है सुअर, ठीक है, और सुअर कहाँ नहीं चल सकते, पेड़ पर, तो क्या होता है, कौन सी जनजाति निवास करती है, तो पिगमी, याद कर लीजिएगा। किस प्रदेश में पिगमी निवास पाए जाते हैं, विषुव रेखी वन क्षेत्र, ठीक है, कौन सा क्षेत्र, वन में पाए जाते हैं, कहाँ पर रेखी है, ठीक है, पिगमी कैसे चलते, एक रेखा में चलते, कोई सुअर भाग रहा है तो लगातार, अगर कोई सुअर भाग रहा है तो उसके सारे बच्चे कैसे भागते हैं, एक के पीछे एक के पीछे, कहते हैं रेखी में, ठीक है, और कहाँ, विषुवत रेखा में भागते हैं, ठीक है, वन क्षेत्र में पाए जाते हैं। यहाँ पर श्रीलंका में रहने वाले पिगमी को किस नामा से जाना जाता है, तो कहाँ, श्रीलंका, लंका, ठीक है, लंका का राजा कौन था, रावण। श्रीलंका में रहने वाले पिगमी को किस नाम से जानते हैं, वेधा, ठीक है, क्या जानते हैं, वेधा, तो रावण कैसा था, वेदों का बहुत बड़ा ज्ञानी था, तो वेधा, ठीक है। न्यू गिनी में पाए जाने वाले पिगमी को किस नाम से जाना जाता है, न्यू गिनी, पेपुआ, पेपुआ, टेटुआ से याद रख लीजिएगा, पेपुआ, ठीक है। बोर्नियो में रहने वाले पिगमी क्या कहलाते हैं, पूनन, पूनन, तो कहाँ पे, बोनियो, बोनियो क्या है, बौना है, बौना कौन है, पूनम, पूनम से पूनन याद रख लीजिए, पूनन, पूनम मौत की जगह पूनन है, याद रख लीजिएगा। बुशमैन का संबंध कहाँ है, बुशमैन का संबंध क्या, कालाहारी मरुस्थल से, ठीक है, कालाहारी मरुस्थल से किसका संबंध है, बुशमैन का संबंध है, ठीक है, क्या करते हैं बुशमैन, तो जो कालाहारी माने बुशमैन कहाँ रहता है, बुशमैन काले अंधेरे में रहता है, ठीक है, काला जैकेट पहनता है, तो क्या हो जाएगा, बुशमैन कहाँ रहता है, कालाहारी मरुस्थल में। किस जनजाति के लोग स्वर भच्छी की श्रेणी में आते हैं, तो कौन है, बुशमैन, बुशमैन कहाँ रहता है, अभी हमने आपको बताया था बुशमैन ऊपर कालाहारी मरुस्थल में, काला है, बहुत ही काला है, बुशमैन सबको मार के खा जाता है, ठीक है। किस जनजाति में स्वर्भच्छी है, बुशमैन जनजाति है। विश्व के किस मरुस्थल में बुशमैन नामक चलवासी जनजाति के लोग रहते हैं, बताइए विश्व में किस मरुस्थल में बुशमैन नामक चलवासी जनजाति के लोग रहते हैं, बताइए, क्षेत्र क्या होगा, कालाहारी, ठीक है, बुशमैन क्या है, कुछ भी खा जाता है, और कहाँ रहता है, कालाहारी मरुस्थल में, ठीक है, कालाहारी मरुस्थल में, बुशमैन क्या है, कालाहारी मरुस्थल में रहते हैं जनजाति। कौन सी जनजाति पूर्त शाकाहारी है, सेमांग, ठीक है, मांग, ठीक है, सेमांग जो मांग मांग के खाती हैं वो क्या है, सेमांग, ठीक है, पूर्त क्या है, शाकाहारी है, सेमांग वो मांग के खाती है। खिरगिज एक घुमक्कड़ी जनजाति, कौन जनजाति, खिरगिज, खिरगिज कहाँ पाई जाती है, मध्य एशिया में। खिरगिज खरगोश कैसा है, खिरगिज माने खरगोश कैसा होता है, वह घुमक्कड़ होता है, कहाँ पाया जाता है, मध्य एशिया में, ठीक है, मध्य एशिया में पाया जाता है। किस जनजाति का संबंध भू रेखी प्रदेश से नहीं है, तो सही उत्तर क्या है, खिरगिज, ठीक है, भू रेखी मध्य कहाँ रहता है, खरगोश हमेशा बिल में रहता है, भू रेखी प्रदेश वह भूमध्य रेखी प्रदेश में नहीं रहता, खिरगिज है, ठीक है, खिरगिज जनजाति। खरगोश जिसे मालिक, खरगोश कहाँ रहता है, मध्य में नहीं रहता, क्योंकि उसे
चील मैदानों में नहीं रहता क्योंकि उसे चील पकड़ ले जाएगी। फिर हमारा है कि मध्य एशिया में स्टेपिस क्षेत्र में खिरगिज कालमुख और पजजाक लोगों द्वारा बनाए गए पशु को खालों में और स्थायी तंबू को क्या कहा जाता है? यूर्ट। यूर्ट कहा जाता है, यूर्ट। ठीक है, लेप्स कहाँ पाए जाते हैं? तो लेप्स कहाँ पाए जाते हैं? तो कहाँ पाए जाते हैं? लेप्स स्कैंडिनेवियन क्षेत्र में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? स्कैंडिनेवियन क्षेत्र में पाए जाते हैं। याद रखिएगा, लेप्स कहाँ लेप्स जाता है? तो बहुत मुश्किल नाम है, इसको याद रख लीजिएगा, क्योंकि अगर आप भूल गए तो याद नहीं होगा इसको। लेप्स, लेप्स, ठीक है, याद रख लीजिए। कहाँ पाए जाते हैं? स्कैंडिनेवियन क्षेत्र में, ठीक है। जूलू लोग कहाँ होते हैं? दक्षिणी अफ्रीका में। दक्षिणी अफ्रीका के लोग कैसे होते हैं? बहुत ही जालिम होते हैं। जूलू लोग क्यों? जूलू जालिम लोग कहाँ पाए जाते हैं? दक्षिणी अफ्रीका में। कौन सी जनजाति पशु चारण का कार्य करती है? मसाई, ठीक है। कौन सी जनजाति क्या करती है? पशु चराई का, पशु चारण का कार्य करती है, तो क्या है? मसाई। साई क्या है? भगवान साई क्या करते थे? वह पशुओं का बहुत ही आदर करते थे, पशु चराते थे। क्या करते थे? साई जनजाति है, मसाई कर, मसाई है। साई क्या करती है? पशुओं का ख्याल रखती है। लाई, अब आगे साई के बाद लाई। लाई क्या करती है? म्यांमार की चीन चाइना पहाड़ियों में रहने वाली क्या है? लाई, ठीक है। तो लाई हम लोग खाते हैं, ठीक है। तो लाई कब खाते हैं हम लोग? दीपावली में लाई खाते हैं। दीपावली में किसकी सब जरिया लगाते हैं? चाइना की। तो म्यांमार की चीन चाइन पहाड़ियों में रहने वाली जनजाति क्या है? लाई है। फिर इसके विश्व में किस महाद्वीप में आदिम जातियों की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है? तो अफ्रीका। अफ्रीका में क्या? अफ्रीका के लोग बड़ी जालिम है, ठीक है, अफ्रीका। तो किसमें आदिम जातियों के? यूर्ट किस जनजाति का घर है? खिरगिज। खिरगिज खरगोश का घर कहाँ? यूर्ट में है, तो खिरगिज। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका का डच हैलैंड मूल के निवासियों को किस नाम से जाना जाता है? सही उत्तर क्या होगा? बुआर्स। बुआर्स के नाम से दक्षिण अफ्रीका के डच हैलैंड का मूल निवासी के नाम से जाना जाता है। फिर क्या? वेलुंस। वेलुंस कौन है? बेल्जियम की फ्रेंच भाषी आबादी है। वेलुंस, वेलुंस क्या? बेल्जियम की फ्रेंच भाषी आबादी है, ठीक है। जो जो यहाँ इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। किचिन क्या है? किचिन पूछा जाएगा। किचिन, किचिन क्या है? म्यांमार की एक जनजाति है। किचिन, किचिन क्या है? चीन में, और चीन का है म्यांमार की जनजाति है, ठीक है। तो चीन जो चीन में नहीं रहते हैं वो क्या है? म्यांमार में रहते हैं, तो चीन, ठीक है। उसके बाद हमारी पिगमी। पिगमी, पिग को जो मार के खा जाते हैं अफ्रीका के लोग। पिगमी निवासी कहाँ है? अफ्रीका के, जो पिग को मार के खा जाते हैं अफ्रीका में। फिर बाद उसके बाद क्या? अफ्रीका की मूल जनजाति पिगमी किस नदी घाटी पर? कांगो, ठीक है, कांगो नदी पे। कांगो पिगमी है जो सुअर को मार के, अफ्रीका के लोग सुअर को मार के खा जाते हैं पिगमी, ठीक है। कहाँ पर थी? कांगो, ठीक है। सबको कांगो, कांगो कहाँ है? किस नदी किनारे? कांगो। कौन सी जनजाति नील नदी घाटी में निवास करती है? तभी हमने आपको बताया नीला, नीला क्या है? नीला आसमान है। तो अल्लाह के लिए सब क्या करते हैं? अल्लाह, अल्लाह पुकारते हैं। तो अल्लाह के लोग फिलहा, फिलहा अल्लाह और जोड़ देंगे तो अल्लाह हो जाएगा। फिलहा के लोग कहाँ? नील नदी घाटी के यहाँ रहते हैं। कि जनजाति के लोग दूध को ताज़ा ना पीकर उसे खट्टा करके पीते हैं? दूध को ताज़ा ना पीकर उसे खट्टा, तो खरगीज, खरगोश, ठीक है। खरगोश क्या है? उसका दूध खट्टा होता है, तो खरगीज की याद कर लीजिएगा। पिगमी कहाँ के आदिम शिकारी और भोजन एकत्रित करने वाले लोग हैं, ठीक है। पिगमी आदिम शिकारी, हमने कहा मध्य अफ्रीका, अफ्रीका आप देख लीजिएगा वहाँ पे अफ्रीका, मध्य अफ्रीका के लोग बहुत ही खतरनाक हैं। मसाई किसकी आदिम जनजाति है? तंजिया मसाई। अभी हमने पीछे पढ़ा था साई, साई क्या करते हैं? हमारे गाय को चरवाहा करते हैं। तो मसाई किसकी आदिम जनजाति है? तंजानिया, तंजानिया याद रख लीजिएगा। विश्व में किस महाद्वीप में आदिम जनजाति सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है? तो अफ्रीका। मजेदार, जनजातियाँ कहाँ पाई जाती है? अफ्रीका, ठीक है। इतना जनजातियाँ आप अगर याद कर लेते हैं तो इसके बाहर पूछा नहीं जाएगा। अगर पूछा भी जाता है तो आप हल्का फुल्का सबको मालूम होगा, ठीक है। ये जनजातियाँ एकदम पूछी जाती है, हर पेपर में 1000 वर्ड पूछी गई हैं। अगर आप इसको याद कर लेते हैं तो आपका एक नंबर आ जाता है, ये विश्व की जनसंख्या। अब फिर हम उसको भारत की जनजातियों के बारे में बताएँगे, और उसके बाद ये वीडियो देखने के बाद उस वीडियो जरूर देखिएगा। अगर आपको, अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो वीडियो नहीं देख पाएंगे, इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बहुत ही अच्छे चीज़ पे आते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। कम से कम मैं टारगेट रखता हूँ 10,000 का लाइक इस पर, ठीक है। 10,000 का लाइक इस पर मुझे मिल जाएगा तो मैं और बढ़िया वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। चित्र के साथ मैं सोच रहा हूँ बनाने के लिए, इधर चित्र रहे और इधर सब लिखा रहे, या इधर लिखा रहे जैसे इधर चित्र रहे और इधर जनजातियों के बारे में बना रहे, और आप उन जनजातियों का देखें, और उसके लिए मैं एक अच्छा वीडियो बना के लाऊंगा।
उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। या तारीख, अगर आप उन्हें इंसाफ नहीं दे सकते तो बंद कीजिए।